और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई ईरान पर की और ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है, उसने पूर्वी ईरान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। हालांकि अब तक के इस खबर की ना तो पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है और ना ही ईरान की ओर से। हालांकि मीडिया के हवाले से ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया। इससे पहले ईरान ने कुछ आतंकी संगठनों के इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के इलाके में बड़ा हमला किया था और उसके बाद अब पाकिस्तान की ओर से यह हमला किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवालों से ये बेहद अहम और अहम खबर। पूर्वी ईरान के कुछ इलाकों पर एयर स्ट्राइक अब पाकिस्तान की ओर से की गई है। हालांकि अब तक की इसकी पाकिस्तान की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है और ना ही ईरान ने इस पर अब तक कहा है, लेकिन ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया था कि दरअसल ये ईरान और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है और कुछ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब पाकिस्तान की ओर से हमला। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान की ओर से इस किए गए हमले के बारे में? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जरूर है कि एक असेसमेंट जरूर करेंगे कि जो स्ट्राइक कल की गई, जो कि वहां की मीडिया दावा कर रही है जो स्ट्राइक की गई, उसमें कितना डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसके बाद एक असेसमेंट ग्राउंड असेसमेंट के बाद ही हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आए। लेकिन वहां की मीडिया जिस तरीके की बात कह रही है कि जो बलूचिस्तान सिस्तान जो एरिया है ईरान में, उसके अंदर कम तकरीबन 20 मील अंदर जाकर यह स्ट्राइक की गई है, कई सारी स्ट्राइक की गई है मिलिटेंट आउटफिट। लेकिन प्रशांत, देखने वाली बात यह है क्योंकि ये जिस तरीके से ईरान ने स्ट्राइक किया और उसके बाद ये मैसेज दिया कि हम लोगों ने सिर्फ आतंकी संगठनों के ऊपर स्ट्राइक किया है, उसी तरीके का मैसेज अब पाकिस्तान ने दिया। लेकिन सवाल ये है कि उनका जो स्ट्राइक था, उनका पहला स्ट्राइक था, तो अगर वो स्ट्राइक नहीं होता तो शायद पाकिस्तान भी इस तरीके की स्ट्राइक नहीं करता, तो ये एक रिटेलिएशन है। अब रिटेलिएशन का क्या चेहरा होता है आगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ईरान के ऊपर रिटेलिएशन किया गया है ये, और उसी के देखते हुए, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कोई ऐसा स्ट्राइक नहीं किया पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर, लेकिन रिटेलिएशन में कल स्ट्राइक किया गया, तो अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी आनी बाकी है क्या हुआ है ग्राउंड पे, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन वहाँ की मीडिया जिस तरीके की तस्वीरें दिखा रही है और बता रही है, उससे तो साफ हो रहा है कि स्ट्राइक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने किया है और जो जानकारी आ रही है 20 मील अंदर आकर उन्होंने ईरान के ये स्ट्राइक किया है। और ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की ओर से की गई है और ये जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि ईरान की ओर से भी एक बड़ा हमला किया गया था, एक बड़ी स्ट्राइक की गई थी और ईरान ने उस पर साफ कहा कि दरअसल कुछ आतंकी संगठनों को निशाना बनाकर ऐसा किया गया है और अब माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी जवाबी कार्रवाई हुई है।